हर खबर के भरोसे का बस एक ही नाम, बीपीसी न्यूज, उत्तर प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल। आज प्रयागराज के अरव स्पेन सेंटर हॉस्पिटल में पत्रकारों की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर ओपी सिंह ने पत्रकारों को कोरोना होने के कुछ लक्षण बताए और उसके बचाव के उपयोग को भी पत्रकारों से साझा किया। डॉक्टर साहब ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कोरोना से देश में आने वाली दिक्कतों को भी बताया, साथ ही सरकार की बनाई गाइडलाइन को भी फॉलो करने की बात कही। कहा, इस बीमारी से जितनी जल्दी छुटकारा देश को मिलेगा उतना ही देश के लिए बेहतर होगा। साथ ही अस्पताल की तरफ से कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए अस्पताल के अंदर जाने से पहले थर्मल चेकिंग के जरिए और सैनिटाइज होकर ही अस्पताल के अंदर जाने की अनुमति है। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों को हैंड ग्लव्स, मास्क और टोपी वितरित की। पेश है बीपीसी न्यूज की स्पेशल कवरेज। करीब एक कोरोना थी, तो उसमें हाउ कैन यू डू द जजमेंट द कैटेगरी ऑफ द एज एंड द इकोनॉमिकल कंडीशन व्हिच आर द सफरिंग द दिस कोरोना। एक वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में फैली हुई है और बहुत तेजी से फैल रही है। इसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, हाईली कंटेजियस है, बहुत तेजी से लोगों को हो जाती है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को सारे इंडस्ट्रीज बंद करना पड़ रहा है। ट्रेन आपने देखा, कभी लड़ाई के समय भी बंद नहीं हुई, भारतीय ट्रेन बंद हो गई। तो ये जो फैक्ट्रीज बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, इससे देश की इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ा है। अगर ये बीमारी बहुत लंबे समय तक रहेगी तो हमारे देश में इकोनॉमी बहुत डाउन हो जाएगी, लोग मेहनत नहीं करेंगे, घरों में कैद रहेंगे। इकोनॉमी डेफिनेटली बहुत सफ़र कर रही है और जितनी जल्दी ये बीमारी ठीक हो जाए, हमारे देश से चली जाए, यही भगवान से प्रार्थना है। और सब लोगों का सहयोग चाहिए इसमें, हर आदमी एक दूसरे का सहयोग करे। सरकार की जो गाइडलाइन है, जो आदेश है, प्रशासन के जो आदेश हैं, उसको पूरी ईमानदारी से माने, यही हमारी ड्यूटी है। और इस समय धर्म, जाति, वर्ग ये सब बिल्कुल नहीं देखना है, हम सभी मनुष्य हैं और एक दूसरे का ख्याल रखना है, यही सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है। क्योंकि जान है तो जहान है, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि जान है तो जहान है, तो जान का जहाँ लाला पड़ा हुआ है उधर आप और चीज़ों से भटकाव नहीं चाहिए। हमें एकाग्र होकर सरकार की नीतियों को, सरकार के आदेशों को पालन करना चाहिए, एक दूसरे का जहाँ तक हो सके मदद करना चाहिए, यही हमें इस बीमारी से लड़ने में सहायक होगा और हम लोग इससे उभर पाएंगे। अन्यथा दुनिया के बहुत बहुत शक्तिशाली देश, बहुत पावरफुल देश, अमेरिका, इटली, इंग्लैंड, चाइना, इन सबका हालत खराब है, तो हमारे देश का तो गरीब आदमी और ज़्यादा खराब हालत में पहुँच जाएगा। इसके लिए हमें गंभीर होने का ज़रूरत है, कोरोना के सामने हिम्मत नहीं दिखाना है कि हम नहीं कुछ करेंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं फॉलो करेंगे, ये उनको जल्दी हो जाता है जो इस तरह का काम करते हैं।